नमस्कार पहचान फैजाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं रोन रियाना। फिलहाल देख सकते हैं 17 साल का युवक था जो बताया जा रहा है इस फ्लोर पे रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे, और उसने फांसी लगा ली। एक बार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला हो रहा। भाई क्या हुआ है, कुछ पता है? खाली क्या सुना है, यहाँ भीड़ लगी पड़ी है। फिलहाल देख सकते हैं, एक बार पुलिस प्रशासन से भी जानने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको बता दूँ कि 17 साल का कुछ युवक था, और देख सकते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और एम्बुलेंस भी आ चुकी है, जो कि आपको बता दें। और देख सकते हैं फिलहाल तमाम लोगों की अभी भीड़ यहाँ मौके पर मौजूद है, देख सकते हैं। बाकी एक बार जानने की कोशिश करेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि क्या मामला था, कितनी उम्र थी युवक की। सर उम्र क्या थी युवक की? सर अभी आधार कार्ड मांग रहे हैं। अच्छा। हमें इतला मिली थी और अभी हम ले जा रहे हैं। फादर अच्छा। ने बताया कि फेल हो गया था ये। अच्छा, आप फादर की भी बाइक ले। तो वैसे फिलहाल क्या सूचना क्या मिली है पूरी आपको कि रिजल्ट में फेल हो गया था, इस कारण फांसी लगी है बच्चे अभी ने? तो वो स्टेटमेंट देगा। अच्छा, मौखिक तौर पे बताया अभी। अच्छा, मौखिक तौर पे बताया अभी। हाँ, अभी मौखिक तौर पे बताया कि दो बार फेल हो गया था, इसलिए वो मानसिक रूप से परेशान है। ठीक है। उनके फादर कहाँ हैं? अभी ऊपर ही हैं। वो थोड़े माइंडली डिस्टर्ब से हैं। आप सुबह उनकी जी। ठीक है ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं एक बार और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था पूरा। अच्छा भाई जी, एक मिनट, क्या मामला था, कुछ बता पाएंगे? देखो अभी करीब एक घंटे पहले पता चला है परिवार को कैसे ऐसी घटना हुई है। तो एक घंटे पहले आके जब ऊपर जाके देखा तो फांसी के फंदे से लटका हुआ बच्चा, और बेड के ऊपर ही घुटने से बैंड हो रखा है। बेड के ऊपर घुटने से बैंड हो रखा है। अच्छा। तो दीवार की छत है वो भी करीब सर ही उसमें मतलब 3 फुट पहले उठ जाएगा। अच्छा अच्छा। घुटने बैंड हो रखे हैं बेड के ऊपर ही, घुटने बैंड हो रखे हैं। तो घुटने बैंड हो रखे हैं तो फांसी से मरने का तो कोई बनता ही नहीं है। जांच की प्रक्रिया एक पुलिस अपने माध्यम से करेगी। पर रही वैसे नजर आ रहा है कि भाई वो जो बेड पे जिस स्थिति है ना, उस स्थिति में वो घुटने बैंड हो रखे हैं, घुटने भी बेड पड़े हुए। अच्छा, घुटने भी पैर पे वो बेड पे लगे हुए, ऐसे बेड पड़े हुए घुटने। अच्छा अच्छा। मतलब है पुलिस मेरे हिसाब से बेटर इसकी जानकारी लेगी। पुलिस के पास फोन भी उनका है, कोई और बात है, कोई मानसिक तनाव है, कोई और घटना है, तो मेरे हिसाब से पुलिस अगर सही तरीके से जांच करेगी तो बेहतर रिजल्ट आएगा। अच्छा, वैसे कभी कुछ पता चला हो कि कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी का कोई परेशान करना मेरे हिसाब से ये ऐसी एक दो बार घटनाएं हैं मेरी नॉलेज में भी है। और फादर खड़े हैं, फादर हैं उनके, करीब मेरे हिसाब से 3 महीने पहले की बात है। क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ पहले बच्चे का, या फिर कोई बात रही हो कभी? बच्चे का इसके साथ के लड़के तंग करते थे, इससे पैसा वगैरह मांगते थे, वो थे रंगदारी के तौर पे, चाहे जो अच्छा भी ये पैसा वो खिलाता था तो ठीक रहता था, नहीं खिलाता था तो तंग करते थे। सर मतलब परेशान करना, मारपीट करना। मैं काम पे चला गया तो बीच में आते थे, 2 लड़के 4 लड़के इसको बुला के ले जाते थे, समझे? पूरा मैं निगरानी रखता था, फिर भी हमारे रहते हुए नहीं आते थे कोई, हम चले जाते थे तब वो आते थे। देखो परिवार का पीछे से ही आते थे, वो चला गया है। इकलौता था मेरा। अच्छा, इकलौता बेटा था। अभी फिलहाल यहाँ पे कौन कौन रहता था? मैं और बेटा। अच्छा, और मम्मी? मम्मी की वाइफ, इसकी बेटी, बेटी है हमारे। अच्छा, गाँव में मुजफ्फरपुर वाली। तो यही है बस, पुलिस देखिए अपनी बेहतर जाँच करे और जो रिजल्ट है वो निकाल के देख परिवार को, क्योंकि ये गरीब परिवार है, किराए पे करीब 2 साल से यहाँ रहने गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, रेंट पे रहते थे यहाँ पे, फिर उसका तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया। देखिए बेटा है, पाला पोसा, आज अचानक चला गया, देखिए सब कुछ ही चला गया अगले का। जी बिल्कुल। तो परमात्मा यही है कि इनको शक्ति दे और प्रशासन उसकी गहराई से जांच करके उसका रिजल्ट निकाले। किसी ने अगर चेक का हरासमेंट किया, जो कुछ भी करने का प्रयास किया, देखिए किया है तो देखिए प्रशासन कार्रवाई का। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार बताया, मतलब किसी के साथ अन्याय हरासमेंट भी ना हो, पर अगर किसी ने किया है तो देखिए सही। जिस प्रकार बताया जा रहा है कि बॉडी के पैर, मैं तो ऊपर गया हूँ, जो स्थिति पैर लगे पड़े थे, चाहे पुलिस प्रशासन गई है, तो ये तो स्थिति है कि बेड के ऊपर जो पोजीशन है वो घुटने भी बैंड हो रहे हैं। बेसक ड्यूटी आई खड़े हैं, उनको भी जानकारी, मैं भी ऊपर गया हूँ, मेरे सामने उन्होंने रस्सी से काटा भी है, तो उतार बॉडी भी उन्होंने उतारी है। तो ये पोजीशन तो थी कि घुटने बेड पे है, और आसान नहीं है मतलब फांसी की प्रक्रिया इस तरह से करनी, पर यह कि फांसी के लिए तो एक झटका ही बहुत है। अगर हल्का से झटका भी गर्दन में लग जाए तो भी स्थिति एकदम खराब हो जाती है। अब वो कैसे स्थिति बनी है, क्या नहीं है, तो ये तो मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर अपनी जांच करके उसकी बता देगा। बच्चे का नाम क्या था और उम्र क्या थी बच्चे की? हर्ष कुमार नाम है उसका। हर्ष कुमार नाम है। अभी 16 साल का है। 16 साल का। क्या करता था, कौन सी क्लास में पढ़ता था? 9th में था। 9th में था, केंद्रीय विद्यालय। इससे पहले कोई और कभी बच्चे ने कभी बताया हो आपको कि पापा मतलब कोई ऐसे तंग करता है कुछ? बीच में ये बात आई थी बस, बीच में एक बार ये बात आई थी। घर तक पहुंचा था, बच्चे के साथ पहुंचा था,
समझे, उनको भी उसके फादर ने भी अपने बेटे को भी धमकाया था, धमकाया था बेटे को भी, डांटा फटकारा। हो सकता है कोई और बात हो, देखिए मतलब हम का किसी के साथ भी ऐसी कोई बात ना हो, पुलिस अपनी बेहतर जांच करे। और अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है वो 3 महीने पहले की कोई बात है, और वो उसके पिताजी ने भी धमकाया था, मेरे सामने भी वार्तालाप हुई थी। और एक जिम्मेदार आदमी प्रयास करता है कि अपने बच्चे को प्रेशर से धमकाए, आगे से कोई ऐसी बात ना हो। पर अब फिलहाल क्या चल रहा है, 3 महीने से फिलहाल कोई और बात चल रही है, फिलहाल उस बच्चों के साथ तो ये मेरे हिसाब से नहीं रह रहा, मैंने अभी भी पता किया है, फिलहाल ये अन्य बच्चों के साथ रहता है। और अब किसी बच्चे से कोई बात है या नहीं है, या घर में कोई एग्जाम को लेकर परेशान है, या कोई और दिक्कत है, तो ये उसके मोबाइल से और किसी बात से प्रशासन एक उचित कार्रवाई करके उसकी डिटेल निकाल के उसमें जो कार्रवाई बनती होकर। बच्चे की एक बार फोटो दिखा दीजिए, जो नॉर्मल फोटो हो। एक बार मोबाइल में फोटो दिखा दो, एक बार जो नॉर्मल फोटो बेटे का पोर्टल पे अपने लगा लेंगे। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो बताया जा रहा है 17-16 साल का वो लड़का था, और 9th क्लास में पढ़ता था। फिलहाल एक बार आपको फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे, जो बताया जा रहा है कि फांसी लगाई है, और उसके बावजूद उसके पैर देख सकते हैं, जो बताया जा रहा है। एक बार फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं ये फोटो है, ये युवक है, हर्ष नाम बताया ना, हर्ष नाम है, देख सकते हैं। फिलहाल बाकी आगे जो भी अपडेट्स होंगे ऐसे तमाम अपडेट सब फिर से आपको जोड़ूंगा, जब तक के लिए।